इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडम्स के दो क्लासेस के रिप्रेज़ेंटेटिव ब्रिटल स्टार और सी स्टार के अंदर डिफ़रेंसेस को डिस्कस करेंगे स्टार फिश जो हैं एज द नेम इंडिकेट्स, दे आर स्टार शेप्ड या ये जो हैं पेंटागोनल हैं हैव अ सेट ऑफ कैलकेरियस प्लेट्स दैट आर एम्बेडेड इन टू द फ्लैशी टिश्यूज ऑफ देयर बॉडी वॉल माउथ जो है इज़ एट देंटर ऑफ दंडर सरफेस और जब इनके अंदर फीडिंग का प्रोसेस सी स्टार्स में स्टार्ट होता है तो सी स्टार्स जो है दे आर एबल टू मूव इट्स सेट लाइक स्टमक आउट ट्रू द माउथ जिसको हम कहते हैं अपना स्टमक जो है नॉर्मली दैट इज़ एवर्टेड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फीडिंग

Rather than movement of the tube feed, or they feed on small organic particles of the food. Here you can see the differences between animals of the two classes of phylum echinodermata, starfish. this belongs to the class Asteridea, brittle star, this belongs to another class of feature Here there is quite difference. इन देयर मोरफोलॉजी आल्सो इट्स आर्म्स आर मोर शार्प एंड मोर स्लेंडर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दिश और इसके अंदर जो सेंट्रल डिस्क है पेंटागोनल डिस्क दिस इज मोर डिवेलप्ड इन ब्रिटल स्टार्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ दी स्टार्स और इसके आर्म्स की लेंथ भी ज़्यादा है दे आर मोर शार्प अब अगर बाकी रिप्रजेंटेटिव हम देखें सी अर्चन it is having entirely different shape sea cucumber is having entirely different shape sea lily is having entirely different shape even though they are all having arms that help in locomotion but their location some of their features they are different representatives of different classes of phylum echinodermata